Hey guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing really good in your lives. I am doing super good. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव ग्लैमरस पार्टी मेकअप लुक दिखाऊंगी, शो करूंगी कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो विद मिनिमल प्रोडक्ट्स. और इसमें मैंने स्पेशली ओलिविया का फाउंडेशन, ओलिविया की ये जो स्टिक आती है कंसीलर स्टिक, मैंने ये यूज़ की है. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई बेस एंड आई हैव यूज कपल ऑफ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, जैसे SFR का आई शेडो और बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं. आप इजीली इनको आप ले सकते हो. एंड ये वाला लुक मैंने अचीव किया है. ये बहुत ही न्यूली मैरिड काइंड ऑफ लुक है. इफ़ यू आर न्यूली मैरिड, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दिस लुक विदाउट हेजिटेटिंग. एंड आई हैव केप्ट द ज्वेलरी सिंपल एंड द कुर्ती ऑल्सो सिंपल, बट द मेकअप इज़ रियली नाइस एंड रियली पार्टी टाइप ऑफ मेकअप अगर आप न्यूली मैरिड हो, इफ़ यू नो वॉट आई मीन. सो या अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो. और वन मोर थिंग, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम. तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा. सब कुछ डिटेल जो है वो इन्फो बॉक्स में है, उसको जरूर क्लिक करके देखिए. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एज अ प्राइमर मैं यूज़ करूँगी ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. ये मेकअप फिक्सिंग स्प्रे की तरह तो इतना अच्छे से यूज़ नहीं होता, बट इट इज़ वेरी ग्रेट एज प्राइमर. और मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी अपने फेस पे, बिकॉज स्प्रेड करना बहुत ही नेसेसरी है. आप चाहे तो एक ऐसा ब्यूटी ब्लेंडर लेकर भी इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो, सो दैट आपके स्किन के अंदर ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड आपकी स्किन जो है एक इवन मतलब कैनवस मिल जाए उस पर फाउंडेशन लगाने का. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ओलिविया की पैनस्टिक एंड इसमें मेरा शेड मुझे याद नहीं है, मैं नीचे आपको मेंशन कर दूँगी. एंड मैं इसको एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी. काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ये यूज़ किए हुए, सो आई रियली वॉन्टेड टू गिव दिस अ ट्राई. तो सबसे पहले मैं उसको अपने आईलिड्स पे लगा लूँगी, प्राइम कर लूँगी उनको अच्छे तरीके से. एंड जितने अच्छे से आप अपने आईलिड को प्राइम करोगे, उतने अच्छे से आपका आई शेडो बेस बैठेगा उस पर. एंड इसको मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी एक ब्यूटी स्पॉन्ज से. और काफ़ी अच्छा है ये कंसीलर. एंड ये वाला जो मौसम है, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी, दिस सीज़न इज़ परफेक्ट फॉर यूजिंग दिस. उसके बाद मैं इसको सेट भी कर लूँगी. सेटिंग योर कंसीलर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. और अच्छे से डस्ट ऑफ कर लूँगी. मैंने यहाँ पे ये मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड इट डज़ द जॉब परफेक्टली. अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए. देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक आई शेडो पैलेट. एंड आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ करूँगी SFR कलर का आई शेडो पैलेट, बिकॉज वन ऑफ यू गाइज वर टेलिंग मी टू यूज़ दिस SFR कलर आई शेडो. और इसमें मैट शेड नहीं है, सो इसी वजह से मैंने ये ब्रॉन्जर यूज़ किया है यहाँ पे सिवाना कलर्स का. और यही वाला शेड लेके मैं अपने क्रीज पे लगा लूँगी. एंड मतलब ये शेड मुझे काफ़ी कुछ पसंद नहीं आया क्रीज पे, बट स्टिल आई वॉज वर्किंग विद इट, क्योंकि एज अ जो ब्रॉन्जर है या कॉन्टोर, एज अ कॉन्टोर ये काफ़ी अच्छा पैलेट है. बट व्हेन आई वॉज अप्लाइंग दिस ऑन माई आई लिड्स, आई वॉज नॉट हैप्पी और मुझे काफ़ी बिल्ड करना पड़ा. तो आप मेक श्योर कीजिए अगर आपके पास एक ब्राउन आई शेडो है तो आप उसको लगा लीजिए अपनी क्रीज पे. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये ब्रॉन्जी स्लैश कॉपरी सा कलर ऑल ओवर माई आई लिड्स, क्योंकि इंडियन मेकअप है और इंडियन स्किन टोन पे ये जो कलर है ये काफ़ी अच्छा लगता है. एंड मुझे गोल्डन यूज़ नहीं करना था, तो दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस पैलेट. एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी अच्छा और पिगमेंटेड पैलेट है. उसके बाद मैं ये शिमर ग्लिटर यूज़ करूँगी. बेसिकली यूरोप गर्ल का ग्लिटर है ये, काफ़ी अच्छा है. इसके स्वॉचेस मैंने किए हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए. मैं इसमें से ये वाइन सा शेड लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगेगा. आपके पास अगर इस कलर की साड़ी है तो आप उसको वेयर कर सकते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्टेक वर्की का आईलाइनर लूँगी. और ये आईलाइनर जो है ये है सिल्वर कलर में, और अपनी क्रीज पे लगा लूँगी. और मुझसे यहाँ पे एक गलती ये हो गई कि मैंने क्रीज से थोड़ा सा नीचे लगा लिया, और एक्चुअली आपको एकदम क्रीज से थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए.
सो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप थोड़ा सा ऊपर लगाइए उसको, मेरी तरह ज़्यादा नीचे मत लगाइए। उसके बाद मैं ये NYB का आईलाइनर यूज़ करूँगी, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। मैं चाहती तो यहाँ पे गोल्डन सिल्वर की जगह यूज़ कर सकती थी, बट आई वॉज़ रियली फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू लुक, सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे सिल्वर आईलाइनर ले लिया था। एंड एज यू कैन सी वो आईलाइनर भी काफ़ी पिगमेंटेड था, और ये वाला जो ब्लैक आईलाइनर है ये भी मुझे बहुत पसंद आया। एंड NYB हैज़ रियली सम नाइस अमेजिंग प्रोडक्ट्स। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी, और आईब्रो फिल करने के लिए मैं मिस क्लेयर की पेंसिल ले रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स दिखाए हैं जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे और बहुत सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगा। और एज यू कैन सी मैं बहुत ही हल्के स्ट्रोक्स से आईब्रो को फिल कर लूँगी, और यहाँ पे पीछे कोम दिया हुआ है उससे मैं कोम्ब आउट कर लूँगी। आईब्रो को शार्प लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ये कंसीलर फिर से यूज़ करूँगी, एंड आई विल कार्व आउट माई आईब्राउज लाइक दिस। इससे क्या होता है, आपकी आईब्राउज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लिफ्टेड लगती है, एंड आई एम लिटरली वेरी सॉरी गाइज, मेरी आईब्रोज मैंने ट्रिम नहीं कराई हैं, इट्स बीन लॉन्ग बिकॉज आई एम वेटिंग देम टू ग्रो ताकि मैं अच्छे से ट्रिम कराऊँ। एंड काफ़ी नीट सा लुक आएगा, अपलिफ्टेड सा एज यू कैन सी हियर। एंड मैं सेकेंड आई में भी इसको कर लूँगी। याद रखिए आप एक ब्रश की हेल्प से ही कीजिए इसको, अदरवाइज फिंगर से बहुत मेसी हो जाता है ये। एंड इसको करने के बाद ट्रस्ट मी आपका फेस जो है वो बहुत ही अपलिफ्टेड सा दिखेगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ओलिविया का फाउंडेशन, एंड क्योंकि मैं इसमें ओलिविया का मेकअप करेक्टिंग स्टिक, कंसीलर स्टिक बेसिकली, और ये फाउंडेशन यूज़ करना चाहती थी, सो दैट इज़ वाई। और मैं इसमें ना 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस ग्लैम गॉडेस वाला प्राइमर भी मिक्स कर दूंगी। एंड आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो फाउंडेशन है थोड़ा सा ड्राइंग लगता है मुझे मेरे फेस के हिसाब से, एंड दिस फाउंडेशन नेवर वर्क फॉर मी, सो आई वाज होपिंग दैट इट वर्क्स फॉर मी। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, मैंने आपको ओलिविया का फाउंडेशन का जब रिव्यू भी दिया था, आप ऊपर चेक कर सकते हैं उसको, लिंक मैं दे दूँगी, तो आई डिडंट लाइक दिस फाउंडेशन एट ऑल, बट मैंने इसके अंदर ये जब ड्रॉप्स मिला लिए ऑयल के, ऑयल प्राइमर के, तो ये बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन पे स्प्रेड हो गया। सो अगर आपको भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है इस फाउंडेशन से, तो आप उसमें 2 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल डालकर यूज़ करें। देन आई एम टेकिंग माय ब्यूटी स्पॉन्ज एंड ब्लेंडिंग इट। अभी भी मुझे थोड़ा सा पैची लग रहा था ये फाउंडेशन, बट बिकॉज इसमें ऑयल था तो ये अच्छे से स्प्रेड आउट हो गया, इवनली स्प्रेड आउट हो गया एज यू कैन सी हियर। तो इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इसके बाद मैं कंसीलर के लिए यूज़ करूँगी ओलिविया का कंसीलर स्टिक, एंड उसको मैं अपने आईज़ के नीचे ब्रिज ऑफ माय नोज़ एंड फोरहेड पे भी लगा लूँगी। इसको ब्लेंड कीजिए आप एक ब्यूटी स्पॉन्ज के हेल्प से, एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्रश, बिकॉज मुझे लगता है ब्रश से थोड़ा सा एप्लीकेशन पैची आ जाता है, स्पेशली इस कंसीलर का। That's why I would tell you to use a beauty sponge, क्योंकि उससे काफ़ी flawless सा finish आता है। And मैं आज अपना जो contour है वो भी मैं beauty sponge से ही लगाऊंगी, but उससे पहले मैं lower lash line को और ज़्यादा अच्छे से define करूँगी। ये step बहुत important है, क्योंकि आपने जो ऊपर किया है आपको नीचे भी करना चाहिए। एंड आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे जो ये सिल्वर आईलाइनर है उसको थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए था। नेवरदलेस
आई विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो. मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला वीडियो, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एन वाई बे काजल एंड दिस इज सच अ नाइस पिगमेंटेड काजल. आई रियली लाइक इट, सो क्रीमी येट सो अफोर्डेबल. उसको मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेके आऊँगी ताकि इनर कॉर्नर बहुत ज़्यादा ब्लैक ना दिखे. तो इससे अगर आपकी छोटी आइज़ है तो वो आइज़ और छोटी लगेंगी. सो दैट इज़ वाई मैं आउटर से इनर की तरफ लेके जाऊँगी. अब मैं इसको बाहर की तरफ भी थोड़ा एक्सटेंड करूँगी. जैसे आप देख सकते हैं आई विल एक्सटेंड इट वेरी स्लोली, क्योंकि एकदम से अगर एक्सटेंड करोगे तो हो सकता है कि विंग जो है लोअर विंग वो अच्छा ना आए. सो अगर आप देखेंगे ये एक लोअर विंग की तरह एरोबिक सा लुक देगा एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है इंडियन आउटफिट्स के साथ, काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी ग्लैमरस लुक देता है. एंड काजल के तो क्या कहने, इट्स रियली गुड. आई रियली वॉन्ट टू डू अ रिव्यू फॉर यू गाइस, लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट इट. Then I'm going to use this contour, and for this contour I'm going to use my beauty sponge only, as I told you. And as you can see, it gives my skin a very natural contoured skin. I'm all about that natural contour. I'm still not a very contoured bronzer person. I'm still a blush and more of a highlighter person. Then I will use this Miss Claire brush. Again, everything will be in the bottom bar. Make sure to check that. और मैं उसको लगा लूँगी एक ऐसे फ्लफी से ब्रश से. एंड ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको 200-250 तक ईजीली ये ब्लश मिल जाएगा. एंड एकदम ये मैट ब्लश है, इसके अंदर कोई शिमर पार्टिकल्स नहीं है. तो और इसमें शेड भी बहुत सारे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं नायका पे. एंड अब टाइम आता है हाईलाइटर का. फॉर हाईलाइटर आई एम गोइंग टू यूज दिस इन कलर इंस्टेंट ग्लो हाईलाइटर. And oh my god, I am in love with this highlighter again. It's such a nice, such a, you know, creamy kind of highlighter, not powdery at all. You will see it just glows so much. Yes, I really like it. And I'll also apply it on the tip of my nose and on my brow bone also. Inner corners to be. After this, I am going to apply this matte look ka red lipstick, and I change the lipstick. Of course, I really like to mix and match lipstick these days. So, मुझे ये यूफोबिया बॉक्स में मिली थी, तो मुझे इसका शेड और ये सब मैं नीचे मेंशन कर दूँगी. एंड वैसे तो लिपस्टिक इज़ रियली नाइस, रियली गुड और वार्म अंडरटोन वाली लिपस्टिक है, बट आई रियली डिडंट लाइक इट विद दिस लुक. So I will change it. Hold your horses. I will change the lipstick. I'm going to use this matte look ka mascara. This is again one of my favorite mascaras. Bas ye thoda sa, you know, alcohol jaisa smell karta hai. I have also done a review. You can check it out. I'm going to put it. उसके बाद मैं ये NYX की लिक्विड स्वेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और ये कलर काफ़ी प्यारा कलर है. और मैंने इस पर रिव्यू और स्वॉचेस भी किए थे इन लिपस्टिक्स के. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट. एंड अभी मिक्स होके ये काफ़ी अच्छा सा डार्क सा वैम्पी सा कलर लगा. एंड दिस इज़ वॉट आई रियली लाइक इट. आई होप यू लाइक दैट ऑल्सो. नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज. आई होप यू एन्जॉय इट. एंड अगर आपको पसंद आई वीडियो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड बेल बटन को क्लिक कर देना, लाइक कर देना एंड कॉमेंट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो.